Question number two. Differentiate the following function. Y equal to x to root of 3x minus 4. इसको differentiate करना, ठीक है? तो देखिए, this is the product of two functions. ये क्या होगा? Product of two functions. ये ना? दो function का product है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो प्रोडक्ट रूल क्या बताएं? रेस्ट ऑफ वन फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस रेस्ट ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना? जैसे वाई को यू भी यू फर्स्ट फंक्शन बी सेकंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या बनेगा? रेस्ट ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस रेस्ट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना? तो जैसे वाई को भी एक्स क्यूब है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और थ्री एक्स माइनस फोर को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं. ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन. तो अब इसमें क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं. तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग है रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डिवाइड डी एक्स आप वाई क्या हो जाएगा? रेस्ट ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, है ना? थ्री एक्स माइनस फोर रेस्ट फोर हाफ प्लस रेस्ट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है? दुख ही दे रहा है, ठीक है? मोबाइल पानी भाई रात के दिन तो ठीक चल रही है पानी पानी चल रहा गारंटी नहीं है, गारंटी कर नहीं तो हम 10 सेंटीमीटर को तो गारंटी ले लेंगे. कैसे गारंटी किया जाए?
चल लिखो, लिख लिया, लिखो जल्दी, तब तक आप लिखते रहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, पावर लगेगा ये ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इनटू तो डी बाई डी एक्स एक्स रेट पावर एन, इसको लिखा होगा एन टाइम एक्स रेट पावर एन माइनस वन, पावर पहले कर देते हैं एक और लेस हो जाता है ना, ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक और लेस हो जाता है, इसके कारण वन बाई टू ये थ्री एक्स माइनस फोर एट पावर वन बाई टू माइनस वन, ठीक है। और आप देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिएगा तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है तो इसे कांस्टेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स और थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है, प्लस थ्री एक्स माइनस फोर रेस्ट फोर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर है ना। अब सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा वन बाई टू एक्स क्यूब और थ्री एक्स माइनस फोर रेस्ट फोर माइनस हाफ इंटू थ्री इंटू वन माइनस जीरो, ठीक है, फिर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स माइनस फोर रेस्ट फोर हाफ, ठीक हो जाएगा आपका थ्री बाई टू एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर फिर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर थ्री एक्स माइनस, ठीक है, ये आप आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर लिख कर दे। कॉमन ले ले तो अपान, तो देखिए थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर अपान रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है, और जब कॉमन लीजिएगा तो देखा एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर टू बचेगा, ठीक है, और एच जो है थ्री तो बाहर चला गया और ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर बन जाएगा, ठीक है, और फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर बाई टू भी कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस एट, सिक्स एक्स माइनस एट हो जाएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट थ्री एक्स माइनस फोर, थ्री एक्स माइनस फोर अब एक्स प्लस सिक्स एक्स सेवन एक्स हो जाएगा, सेवन एक्स माइनस एट, देखिए इस फॉर्म में देखें, इस फॉर्म में देख चल रही है, देखें थ्री हाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में एक्स माइनस एट, हाँ फिर अपान अपान टू टू रूट थ्री, हाँ एक्स माइनस फोर सही है ना, चलिए कॉपी करो राइट करो।